हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जस्ट अभी अभी का अपडेट है, ये ट्रैवल अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप दुबई से सफ़र कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट से आप सफ़र कर रहे हो इंडिया के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि दोस्तों एक एक दिन में एक नया नया अपडेट आ रहा है। जब आपको पता है कि कोविड धीरे धीरे अपना पैर पहले के जैसा पसार रही है, हर जगह पर अभी नया नया मामला आ रहा है, इसलिए दोस्तों हर कंट्री अपने तरीके से ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर रहा है। तो आप अगर दुबई यूएई से अगर कहीं पर सफ़र कर रहे हो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ दोस्तों अपडेट क्या है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही अपडेट डाला है और एयर इंडिया की तरफ से ये अपडेट जारी किया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट। तो अपडेट ये है दोस्तों कि अगर आप दुबई से जा रहे हो किसी भी एयरपोर्ट पर, आप मुंबई एयरपोर्ट पर जाओ या फिर दिल्ली में जाओ या लखनऊ में कहीं पर भी, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्लियर कर दिया है कि जो पहले रूल था दोस्तों सेम वही फॉलो होगा। तो दोस्तों वैक्सीन का पूरा आपको चाहिए दोनों डोज, अगर आपको दोनों डोज लगा हुआ नहीं है दोस्तों, तो ये आपको PCR टेस्ट जो होता है वो कंपलसरी कर दिया गया है। आपको 72 आवर्स के अंदर दोस्तों नेगेटिव सर्टिफिकेट लाजिम चाहिए। पहले जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता था दोस्तों, वो भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि फिर से ये स्टार्ट हो गया पहला। दूसरा, आपको दोस्तों पहले क्या होता था, आपको पता है कि मास्क को भी फ्री कर दिया गया था यहाँ से, अभी भी यूएई के अंदर मास्क नहीं पहनना है। बट अगर आप एयरलाइंस में जा रहे हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ बेसिकली दोस्तों, तो आपको मास्क लगा के जाना है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और एयरपोर्ट पर आप पकड़े जाओगे, क्योंकि क्लियर कर दिया है, ठीक है। तीसरा दोस्तों सोशल डिस्टेंस भी लाजिम चाहिए। और एयरपोर्ट में दोस्तों आपको बताया गया है, किसी भी एयरपोर्ट में दुबई से जा रहे हो या शारजा से या और भी कहीं से भी दोस्तों जा रहे हो, ठीक है, तो आपको 3.5 घंटा पहले लाजिम पहुंचना है एयरपोर्ट के अंदर, नहीं तो दोस्तों आपको बोर्डिंग नहीं होगी, आपका जो भी लगेज का चेकिंग वगैरह होगा। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों कि हम लोग थोड़ा लेट से भी पहुंचते थे, तो हम लोग का चेकिंग वगैरह हो जाता था, बट अभी कम से कम 3.5 घंटे के अंदर आपको लाजिम पहुंचना है। तो ये दो चीज़ ज़रूर करके जाना दोस्तों। मैं जैसा बताया कि आपको अगर दोनों डोज लगा हुआ है तो आप इजीली जा सकते हो, अगर बूस्टर लगा हुआ है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं ये लगा हुआ है दोस्तों तो आप PCR टेस्ट 72 आवर्स के अंदर आपको लाजिम चाहिए, वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कहीं जहां से भी आप टिकट लेते हो दोस्तों, काउंटर पे आप जाओगे उस टिकट वाले ट्रैवल एजेंट से, तो आप उससे बोलोगे तो वो सारा चीज़ करके देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लेबर ग्रेड के लोगों को दोस्तों, हम लोगों को पता नहीं होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से भरना है, क्या भरना है, तो वो लोग सारा डिटेल करके देता है। तो यही दो अपडेट था दोस्तों, पहले जो रूल था सेम रूल अभी कर दिया गया है, वैक्सीन लाजिम चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजिम चाहिए, आप अपने साथ लेकर जाना। तो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।